नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है विधायक अरुण वोरा को आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। विधायक वोरा ने बुधवार को दुर्ग के स्व झाड़ूराम देवांगन विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों से, अपने पालकों से और परिवार वालों से ये कहा है कि कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की गई है। जानकारी के अनुसार झाड़ूराम देवांगन स्वामी आत्मानंद विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें जर्जर स्कूल भवन के निर्माण के लिए विधायक अरुण वोरा ने बच्चों से, पालकों से कांग्रेस के पक्ष में वोट कराने की बात कही थी। इस संबंध में मिली जांच रिपोर्ट के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर 2 दिनों में जवाब मांगा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल अर्चना गौतम रायपुर जिला कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने प्रियंका गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी संदीप सिंह के खिलाफ मेरठ में FIR दर्ज करवाई है, जिसमें आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी समेत जाति सूचक शब्द कहे गए हैं। ये पूरी घटना रायपुर में कांग्रेस महाअधिवेशन के दौरान हुई है, बताया जा रहा है, जिसे लेकर शुक्रवार को उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। उड़ीसा सीमा पर पुलिस ने 11,22,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। कार सवार 2 युवक 500 रुपए के 18 बंडल को पॉलिथीन में छिपाकर रखे हुए थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब्त किया। इस पैसों का कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जिसके बाद से वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर आयकर विभाग को पुलिस ने ये पूरा पैसा सौंप दिया। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां से ये कैश से भरा हुआ बंडल पुलिस के हाथ लगा। आगामी दिनों में नवरात्र पर्व की शुरुआत होने वाली है। इसे देखते हुए रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की है। श्रद्धालु डोंगरगढ़ मंदिर और मेले में जाने के लिए भारी संख्या में ट्रेनों में सफर करते हैं। श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा देने के लिए रेलवे ने पूजा के दौरान, यानी कि 15 तारीख से लेकर के 23 अक्टूबर तक 2023 तक डोंगरगढ़ में 4 ट्रेनों की अस्थायी स्टॉपेज की सुविधा बनाई है, जिसके बाद अब एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन नवरात्रि तक डोंगरगढ़ स्टेशन में अस्थायी रूप से रुकेंगी। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।